क्या कभी आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बर्ड देखा है? क्या आप लोग जानते हैं न्यूजीलैंड में गायों को हेलीकॉप्टर से लटकाकर पहाड़ों की तरफ क्यों छोड़ा जाता है? क्या आपको एक रुपए के कॉइन की कॉस्ट मालूम है? और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी किचन हमारे इंडिया में ही है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20, कोआला नाम से एक जानवर होता है जो आई थिंक आपने किसी वीडियो में या इंटरनेट पे देखा ही होगा। तो इस जानवर की एक खासियत है कि ये कभी भी एक जगह नहीं टिकता। तो साइंटिस्ट को जब भी इसका वेट नापना होता है तो वो कुछ इस तरीके की वेइंग मशीन लाते हैं जो कुछ इस तरीके की लकड़ी की टहनी से जुड़ी होती है और कोआला इस पे जाके बैठ जाता है। फैक्ट नंबर 19, गाड़ियों के गैराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा जिसमें कील हथौड़ों से मार मूर के गाड़ियों को सही किया जाता है। पर क्या आप जानते हो थाईलैंड में दुनिया का पहला ह्यूमन गैराज बना है और इस गैराज का दावा है कि इंसानों का दर्द हम हथौड़ों से ठोक ठोक के सही कर देंगे। फैक्ट नंबर 18, आप लोग नॉर्थ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया नहीं कह सकते, मतलब आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया को कोरिया ही कहना हो पड़ेगा क्योंकि ये वहां के तानाशाह किम जोंग का रूल है। फैक्ट नंबर 17, अगर आपकी जॉब टाइपिंग की है, मतलब आपकी जॉब कहीं कोर्ट में या अकाउंटिंग में टाइपिंग की है, तो आपकी फिंगर नॉर्मली 20 किलोमीटर तक डेली ट्रेवल करती है डेली। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी ऐसा बर्ड देखा है? दिखने में तो ये बर्ड बहुत ही सुंदर है, पर क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि ये बर्ड है ही नहीं? जी हाँ, ये एक फ्लावर है और इसका नाम है मैग्नोलिया ब्लोसम और ये दिखने में डिट्टो एक बर्ड के जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 15, न्यूजीलैंड में हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हर साल गायों को पहाड़ों पे छोड़ा जाता है और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनका मानना है कि गर्मियों के टाइम पे पहाड़ों पे कुछ ऐसे प्लांट्स एंड ग्रास उगते हैं जो गाय के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों से गायों को लेकर 1 से 2 महीने तक गर्मियों में पहाड़ों पे छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 14, मिलिए बिली ओवन से। बिली ओवन की एक आंख कैंसर की वजह से कुछ इस तरह हो चुकी थी और उन्होंने इस चीज को अपनी कमी समझने की जगह अपनी खूबी समझी और उन्होंने एक जॉम्बी के कैरेक्टर के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अब वो बहुत ही बढ़िया जाने माने एक्टर बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है दुनिया में जितनी भी बोट्स हैं, उन बोट्स में से 70% बोट्स फिशिंग के लिए काम आती है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल लोग कितनी मछलियां खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जीव है, मतलब इस अर्थ पे ब्लू व्हेल से बड़ी कोई चीज ही नहीं, चीज मतलब कोई लिविंग थिंग ही नहीं। पर क्या आप लोग जानते हो ये इतनी बड़ी ब्लू व्हेल एक बीच बॉल से बड़ी चीज नहीं निकल सकती? जी हाँ, जो चीज निकलने की होती है, मतलब जो जगह जहाँ से खाना या कुछ भी निकला जाता है, वो ब्लू व्हेल का बहुत छोटा होता है। फैक्ट नंबर 11, मिलिए दुनिया की बेहतरीन मॉडल से, निकोल स्मिथ, और ये दुनिया की एक जाने मानी मॉडल बन चुकी है क्योंकि इन्होंने बुर्ज खलीफा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट किया है एयरलाइंस कंपनी का और उस कंपनी का नाम है एमिरेट्स और ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बहुत ही बहादुरी से किया। फैक्ट नंबर 10, जो जूते आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन जूतों की प्राइस है ही नहीं, मतलब ये जूते प्राइस लेस है और इन जूतों को कोई खरीद ही नहीं सकता और ये जूते एक बहुत ही बड़े और महान आदमी के हैं और उन महान आदमी का नाम है भगत सिंह। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों की आदत होगी पेन के कैप को ऊपर से चबाने की। अगर आपकी आदत है तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। हर साल लगभग 100 जनों की मौत पेन के कैप के अटकने की वजह से होती है। जी हाँ, पेन के कैप के अटकने की वजह से। तो आज से ही पेन का कैप चबाना बंद कर दीजिए। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों ने चिड़ियाओं का या पक्षियों का घोंसला तो देखा ही होगा, अगर असली में नहीं तो वीडियो या फोटोज में तो बिल्कुल ही देखा होगा आपने। पर क्या आपने बाल्ड ईगल का घोंसला देखा है? जी हाँ, ये एक ईगल है जिसका घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला होता है जो आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। इसके घोंसले में एक क्या 2-3 इंसान आराम से बैठ जाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोग जानते हैं टिमोथी नाम का एक कछुआ था जिसको इंग्लैंड की सिटीजनशिप मिल रखी थी, मतलब वो इंग्लैंड का नागरिक था। दरअसल 1854 में एक वॉर हुई थी जिसमें कछुआ बच गया था और फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इस कछुए को पाला और इसकी देखभाल करी और इसको वहाँ की नागरिकता भी दे दी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जो लोग ड्रिंक करते हैं मतलब दारू पीते हैं, उन लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं? जी हाँ, एक स्टडी से पता लगाया गया था कि मच्छरों को दारू पीने वाले लोगों का खून ज्यादा पसंद आता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है फेसबुक के लोगों का कलर ब्लू ही क्यों है?
दरअसल बात यह है कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस है और उनको रेड और ग्रीन कलर ढंग से नहीं दिख पाता और उन्हें ब्लू कलर ही बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। इसीलिए उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू ही रखा क्योंकि उन्हें वो ही दिखा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है 1 रुपए का सिक्का बनाने में गवर्नमेंट को कॉस्ट लगता है 1.11 रुपीज, मतलब 1 रुपए 11 पैसा। मतलब कॉइन की वैल्यू तो 1 रुपए पर उसको बनाने का कॉस्ट हुआ 1.11 रुपीज। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि विकेट कीपर हमेशा फुल स्लीव्स ही क्यों पहनते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डाइव विकेट कीपर्स ही मारते हैं और डाइव मारने से उनकी कलाइयां या कोहनी ना छिले, इसलिए वो फुल स्लीव्स पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, लोग बाग बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, उन्हीं में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे तेज इंजन चेंज करने का। दरअसल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक रेस के दौरान बना गया था, मतलब एक रेस के टाइम पर एक बंदे ने मात्र 42 सेकंड्स में पूरा का पूरा इंजन ही चेंज कर दिया। कैन यू बिलीव इट? फैक्ट नंबर 1, आप लोग ये तो जानते होंगे कि दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में बड़ी बड़ी किचन्स होती है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन हमारे इंडिया में है? जी हाँ, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दुनिया की सबसे बड़ी किचन है जहाँ पर डेली 1 लाख लोगों का खाना बनाया जाता है। जी हाँ, और हर दिन फ्री में खिलाया भी जाता है लंगर में। तो फैक्ट्स का सिलसिला फिलहाल तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम फिर से लौटेंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेके। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा, और अगर आप लोग भी फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूले, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।